गोपकी में मानसरा से कराची आने वाली मुसाफिर को ड्राइवर को नींद आने से ट्रॉलर में टकरा गई। सात अफराद मौके पर जान बाग जबकि 8 जख्मी। मोटरवे इंतजामिया ने जख्मी और लाशों को घोट के अस्पताल मुंतकिल कर दिया। वफाकी से दाखिला मोहसिन नकवी ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जान बाग अफराद के गम में बराबर के शरीक हैं। सखर में 24 घंटे के दौरान 300 मिलीमीटर बारिश। मानसून की तूफानी बारिश ने सखर को डुबो दिया। शहरी इलाकों में निकासी का काम मुकम्मल जबकि नशीबी इलाकों में बारिश का पानी अब भी बाकी। जैकबाबाद और गड़ी खैरू में छत गिरने से मां बेटा जाम बहक। कश्मीर में छत गिरने से खातून जाम बहक, 4 जख्मी। शिकारपुर में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स लुकमे अजल बन गया। गुड्डू में करंट लगने से नौजवान चल बसा। शिकारपुर की नहर में 40 फीट चौड़ा शगाव पड़ गया। सैकड़ों एकड़ पर धान की फसल जेराब आ गई। दादू और खैरपुर में मूसलाधार बारिश। शहदादकोट में मुसलसल बारिश से बिजली बंद। पंजाब के सिलाटा के इलाके बंडी खेप में घर की छत गिरने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जान बहक। राजनपुर में भी अब्र रहमत नहीं अब्र जहमत बन गया। कोई सुल्मान के नदी नाले भी भर गए। दरिया छाछड़ से रोत को ही सैलाबी रेला गुजरने लगा। सादिकाबाद में बारिश के बाद छत गिर गई, 4 साल की बच्ची चल बसी। 3 अफराद जख्मी। टब्बा सुल्तानपुर में करंट लगने से एक शख्स जाम बहक हो गया। कबीरवाला साहिबाल और पाकपतन में भी बादल खुलकर बरसे। बलूचिस्तान में बारिशों से तबाही। जाफराबाद में मसूर चौक के करीब इमारत गिरने से मलबे तले दबकर 3 अफराद जख्मी। चमन में सैलाबी रेलों से कई मकानात को नुकसान। कोयटा चमन में बिजली मअतल। डेरा पुख्ती में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। जाफराबाद में रेलवे का ट्रैक डूब गया। नसीराबाद में भी बारिश का पानी जमा। मानसरा माहनरी में लैंडस्लाइडिंग। पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरिया का नहर में गिर गया। पहाड़ के करीब बाकी आबादी को खाली करवा लिया गया। झील बनने के बाद लैंडस्लाइडिंग हुई। बारिश के बाद दरिया चतराल में तुफियानी आ गई। सड़कें डूबने से कई देहात का दूसरे इलाकों से जमीनी रास्ता मुनकता। प्राइमरी स्कूल समेत 20 घर सैलाबी रेले की जद में आ गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।